अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुश आमदीद बच्चों, प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी दर्सी किताब के सबक खूबसूरत दिन के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम नज़्म इल्म की रोशनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपनी दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलिए। तो बच्चों, आज की हमारी नज़्म का नाम है इल्म की रोशनी। प्यारे बच्चों, ये नज़्म इल्म की अहमियत के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं और इस नज़्म के लिखने वाले हैं शफीउद्दीन नय्यर। इल्म क्या है तुम्हें बताते हैं, इल्म की बात हम सुनाते हैं। इल्म एक लाजवाब दौलत है, इल्म एक बेमिसाल ताकत है। इल्म ही शान क्या है तुम्हें बताते हैं, इल्म की बात हम सुनाते हैं। इस नज़्म में शायर इल्म की अहमियत और इल्म की बातें हमें बताना चाहते हैं। इल्म एक लाजवाल दौलत है, इल्म एक बेमिसाल ताकत है। बच्चों, इल्म एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी दौलत है, यानी जिसके पास इल्म नहीं वो इस दौलत और ताकत दोनों से महरूम है। और इल्म अगर हो तो इंसान इंसान है और इल्म के बगैर इंसान हैवान है। इल्म ही शान आदमियत है, इल्म से आदमी की इज्जत है, यानी इंसान की पहचान और इज्जत दोनों ही इल्म से है। इल्म के बगैर इंसान की ना ही इज्जत है और ना ही शान। इल्म जैसी कीमती चीज़ हासिल करके ही अफलातून और अरिस्तू मशहूर हुए। दुनिया के हर हिस्से में इल्म की अहमियत को तस्लीम किया जाता है। इल्म आसान कर दे मुश्किल को, इल्म नज़दीक लाए मंजिल को, यानी अगर हमारे पास इल्म हो तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं और अपनी मंजिल के करीब आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर हम इल्म से महरूम हो तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म ही से बुरा भला जाना। अगर इल्म ना हो तो इंसान खुदा को भी ना पहचाने और गुमराह हो जाए। और इल्म के ज़रिए ही हम भला बुरा यानी अच्छा और ख़राब क्या है ये समझ सकते हैं। इल्म से गैर भी है अपना भी, इल्म से दीन भी है दुनिया भी, यानी इल्म की वजह से पराया भी अपना है और अपना भी अपना है। और जिन लोगों के पास इल्म नहीं है या फिर जिन लोगों ने इल्म से दूर जाने की कोशिश की, वो दोनों जहानों में कामयाबी से महरूम है, यानी इल्म से दीन और दुनिया दोनों जहां में कामयाबी है। इल्म की रोशनी जल रही है जहां, बस अंधेरे का चल सके ना वहां। यानी इस शेर का मतलब है, जहां इल्म की रोशनी है वहां अंधेरा नहीं रहता, बल्कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है।
ये असर हो दुआए नैयर में, इल्म की रोशनी हो हर घर में। बच्चों, शायर शफीउद्दीन अपनी नज़्म के आखिरी शेर में ये दुआ कर रहे हैं कि इल्म की रोशनी हर घर में पहुँचे और इल्म की रोशनी से हर घर रोशन हो जाए। प्यारे बच्चों, इल्म हासिल करना हर एक के लिए लाजमी है। जिसके पास इल्म है वो बादशाह है, और अगर इल्म ना हो तो वो बादशाह होकर भी गरीब है, और जिसके पास इल्म की दौलत है वो इस दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म इल्म की रोशनी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 43 पर यहाँ पर चंद मशक़ें दी गई है। सबसे पहले है आओ पढ़ें और समझें। पहली मशक़ है अल्फाज व माने। यहाँ पर आपको चंद मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं जिनके माने देखिए बच्चों। पहला है लाजवाल। लाजवाल के माने आते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। लाजवाल यानी जो कभी ख़त्म ना हो। बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना हो, लाजवाब। बेमिसाल के माने हैं जिसकी मिसाल ना हो, लाजवाब। शमा, शमा के माने हैं मोमबत्ती या चराग। शमा यानी मोमबत्ती या चराग। जहां यानी जिस जगह या दुनिया। जहां के माने हैं दुनिया या फिर जिस जगह। बस चलना यानी असर होना। बस चलना यानी असर होना। तो बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज के माने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ सुने और बोले। दूसरी मशक़ है आपको तहरीरी सवालात। यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है कौन सी दौलत लाजवाल है। शाबाश, इल्म की दौलत लाजवाल है। इल्म की दौलत लाजवाल है। इल्म के ज़रिए क्या चीज़ आसान हो जाती है। शाबाश, इल्म के ज़रिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। इल्म के ज़रिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। तीसरा है इल्म से हम किसको पहचानते हैं। शाबाश, इल्म से हम खुदा को पहचानते हैं। नंबर चार है अंधेरे का बस कहाँ नहीं चलता। वेरी गुड, जहाँ इल्म की रोशनी हो वहाँ अंधेरे का बस नहीं चलता। जहाँ इल्म की रोशनी हो वहाँ अंधेरे का बस नहीं चलता। पांचवा है नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने क्या दुआ मांगी है। नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने हर घर में इल्म की रोशनी की दुआ मांगी। नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने हर घर में इल्म की रोशनी की दुआ मांगी। बच्चों, ये थे तहरीरी सवालात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ पढ़ें और लिखें। यहाँ पर आपको तीसरी मशक दी गई है। दिए गए अल्फाज के हम वज़न अल्फाज नज़्म की मदद से लिखिए। हम वज़न यानी जो बोलने में एक जैसे लगते हो या फिर एक जैसे नज़र आते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक दे दिया गया है, बताते सुनाते। बताते सुनाते। दूसरा है दौलत। इसका हम वज़न लफ्ज़ हमें नज़्म में देखकर लिखना होगा। तो दौलत का हम वज़न लफ्ज़ है ताकत। दौलत ताकत। मुश्किल मंजिल। मुश्किल मंजिल। जाना पहचाना। जाना पहचाना। जहां वहां। जहां वहां। नैयर घर। नैयर घर। तो बच्चों, ये थे हम वज़न अल्फाज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 44 पर आओ समझे और लिखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चौथी मशक दी गई है। इन हरूफ की मदद से चंद अल्फाज बनाइए। यहाँ पर एक दरख्त में आपको चंद हरूफ दिए गए हैं। इन हरूफों से आपको चंद अल्फाज लिखना होगा जो आप नज़्म की मदद से लिख सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से भी कोई लफ्ज़ लिख सकते हैं। जैसे कि अलिफ़। अलिफ़ से अंधेरा। अलिफ़ से अंधेरा। नून। नून से नज़दीक। नून से नज़दीक। मीम। मीम से मुश्किल। मीम से मुश्किल। ते। ते से तरक्की। ते से तरक्की। खै। खै से खाक।
खै खै से खाक, दाल दाल से दुनिया, दाल से दुनिया, ई ई से यकीन, ई से यकीन, शीन शीन से शमा, शीन से शमा, आयन आयन से इल्म, आयन से इल्म, लाम लाम से लाजवाल, लाम से लाजवाल। तो बच्चों ये थे इन हरफों से बनाए गए अल्फाज। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आओ गौर करें और लिखें। यहाँ पर आपको एक पांचवी मशक दी गई है, सही यानी कि सही का निशान और गलत का निशान लगाना होगा। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लफ्ज़ सही है उस पर सही का निशान और कौन सा गलत है उस पर गलत का निशान लगाना होगा। जैसे कि पहला दिया गया आपको आयन लाम मीम इल्म सही है और अलिफ लाम मीम इल्म गलत है, अलिफ लाम मीम इल्म गलत है, आयन लाम मीम इल्म सही है। तो अलिफ लाम मीम इल्म पर गलत का निशान और आयन लाम मीम पर सही का निशान दिया गया है। इसी तरह दूसरा है शीन मीम आयन शमा, ये सही है या फिर शीन मीम है शमा, कौन सा सही है? शाबाश, शीन मीम आयन शमा पर सही का निशान लगाइए और शीन मीम है शमा पर गलत का निशान लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर तीन है नज़दीक। नून ज़े दाल ई काफ नज़दीक, नून ज़ाल दाल ई काफ नज़दीक, इनमें से कौन सा सही है बच्चों? शाबाश, नून ज़े दाल ई काफ नज़दीक, इस पर सही का निशान और नून ज़ाल दाल ई काफ इस पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, घर गाफ है रे घर या फिर गाफ दो चश्मी है रे घर, शाबाश, गाफ दो चश्मी है रे घर सही है, तो इस पर सही का निशान और गाफ है रे घर इस पर गलत का निशान लगाइए। जहां जीम है अलीफ नून गुन्ना जहां या फिर जीम दो चश्मी है अलीफ नून गुन्ना जहां, शाबाश, जीम है अलीफ नून गुन्ना जहां सही है, इस पर सही का निशान लगाइए और जीम दो चश्मी है अलीफ नून गुन्ना जहां ये गलत है, इस पर गलत का निशान लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंजिल मीम नून ज़ेला मंजिल या फिर मीम नून ज़ाल लाम मंजिल, शाबाश, मीम नून ज़ेला मंजिल सही है, तो इस पर सही का निशान और मीम नून ज़ाल लाम मंजिल इस पर गलत का निशान लगाइए। बच्चों ये थे सही और गलत अल्फाज की निशानदेही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 45 पर, यहाँ आपको कवायद यानी ग्रामर दिया गया है। तो बच्चों ग्रामर में इसमें आम यानी कॉमन नाउन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, इसमें आम यानी वो इस्म जो एक ही तरह की हर चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें आम यानी कॉमन नाउन कहलाता है, जैसे बकरी टोपी वगैरह। कॉमन नाउन यानी इसमें आम किसे कहते हैं बच्चों? वो इस्म जो एक ही तरह के हर चीज़ के लिए बोला जाए। मिसाल के तौर पर कई लड़के खड़े हुए हैं तो हम वहाँ पर सबको लड़के ही कहेंगे, कई कार वहाँ पर खड़ी हुई है तो हम सबको कार ही कहेंगे। तो ऐसे अल्फाज जो एक ही इस्म की पहचान हो यानी एक ही इस्म के नाम एक ही इस्म से जाने जाते हैं, जैसे कि लड़के, एक लड़का हो या कई लड़के, हम लड़के ही कहेंगे, लड़का ही कहेंगे, या फिर कार दरख्त, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम एक इस्म देते हैं जिसको हम इसमें आम कहते हैं। तो ये थी बच्चों इसमें आम की तारीफ। बकरी बकरी यानी तमाम बकरियों के लिए हम बकरी ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। टोपी, अगर कई टोपियाँ हैं तो उसमें से हम सबको टोपी ही कहेंगे, उसको अलग अलग नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये है इसमें आम की तारीफ। चलिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर दी गई है, तस्वीर को गौर से देखिए और इस तस्वीर में आप क्या क्या देख रहे हैं इन सभी के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले देखिए ये है पतंग, यहाँ पर लिखिए पतंग। नीचे आपको चंद खाने दिए गए, इन खानों में आपको इन चीज़ों के नाम लिखने होंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है पतंग, दूसरा देखिए कार,
दूसरा लिखिए कार, तीसरा लिखिए दरख्त, तीसरा लिखिए दरख्त, चौथा लिखिए तितली, चौथा लिखिए तितली, पांचवा लिखिए कौवा, पांचवा लिखिए कौवा, छठा लिखिए बतख, छठा है बतख, सातवा लिखिए लड़के, सातवा लिखिए लड़के, आठवा लिखिए मेज़, यहाँ पर आपको एक मेज़ नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर लिखिए मेज़ यानी बेंच, आठवा लिखिए मेज़, नवा लिखिए तालाब, नवा लिखिए तालाब, दसवा लिखिए फूल, दसवा लिखिए फूल, ग्यारहवा लिखिए गेंद यानी बॉल, ग्यारहवा लिखिए गेंद, और बारहवा लिखिए मछली, बारहवा लिखिए मछली। तो बच्चों ये तमाम क्या है, ये तस्वीरें, इसमें आम की मिसालें हैं, यानी एक ही तरह की चीज़ों के लिए बोला जाए वो रहता इसमें आम। तो ये तमाम मिसालें, ये जो तमाम तस्वीरें दी गई है, ये तमाम क्या है, इसमें आम की मिसालें हैं। बच्चों ये था आज का हमारा सबक इल्म की रोशनी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिए और दर्सी किताब को मुकम्मल कीजिए और साथ ही साथ अपनी फेयर नोट भी लिखिए। चलिए अब हम चलते हैं, आप तमाम अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।